दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोगटाली की नवी कक्षा की छात्रा गुंजन ठाकुर ने 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही इनका चयन अब राष्ट्रीय खेलों के लिए हुआ है। इस प्रतियोगिता में गुंजन ठाकुर ने 10 जिलों की अलग अलग प्रतिभागियों को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रधानाचार्य सुरेश कुमार, उनके खेल प्रशिक्षक रामलाल सूर्या व अन्य अध्यापकों ने गुंजन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय खेलों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर विद्यालय का नाम रोशन करेंगी। नमस्कार, मैं गुंजन ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोगटाली की छात्रा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। इसका पूरा श्रेय मेरे शारीरिक अध्यापक श्री रामलाल सूर्या जी को और मेरे पूरे अध्यापक गण को जाता है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने विद्यालय और अपने जिला का नाम रोशन किया है और मुझे उम्मीद है कि मैं जूडो और एथलेटिक में भी इसी तरह का प्रदर्शन करूंगी और मैं राष्ट्रीय खेलों में भी अच्छा करूंगी। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर। जहां तक देखा जाता है स्कूलों में सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर ही कार्य करता है, लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं है। हमारे विद्यालय में पूरे स्टाफ का बड़ा सहयोग रहता है, पूरा विद्यालय परिवार एक साथ चलता है और उसी का नतीजा है कि हमारे विद्यालय के आज काफ़ी बच्चे स्टेट खेल रहे हैं और साथ में आगे भी सिलेक्शन हुआ। जैसे कि अभी गुंजन का सिलेक्शन हमारे नेशनल के लिए रेसलिंग में हुआ है और हमें उम्मीद है कि अभी जो हमारे बच्चे 17 बच्चे और अभी स्टेट जाने हैं उनके भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। और इसका स्पेशली हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। विद्यालय में हम जो भी फैसिलिटी मांगते हैं उसको उपलब्ध कराते हैं और साथ ही हमारे SNC प्रधान, जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है विद्यालय में किसी भी चीज़ की तो हमेशा हमारे को उपलब्ध करवाते हैं और हमारे विद्यालय में बहुत सहयोग रहता है और ये जो टीम एफर्ट है इसी का ही नतीजा है इस विद्यालय का कि बच्चे काफ़ी परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल TV के लिए नौहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितम्बर से नवम्बर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट TV है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।